Okay. Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. H square, F square. Yes? Yes, ma'am. Very good. आज किन दो बच्चों को गूगल फॉर्म बनाने के लिए बोला था? एक तो निलय को बोला था, दूसरा अदिति को बोला था. यस मैम. ओके, तो अदिति यू हैव टेकन फर्स्ट चैप्टर राइट? यस मैम. और निलय बेटा तुमने कौन सा लिया है? सेकेंड. ओके, सो अदिति बेटा फर्स्ट यू शुड शेयर योर गूगल फॉर्म. यस मैम. All of you are ready? Yes, ma'am. Very good. Let her share her Google form in chat box. Yes, link is there. सायरम ओके अच्छा बनाया है गूगल फॉर्म. वन फाइव वन टेन तक सबका हो जाना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने का नहीं है, सोच के सिर्फ आंसर देना है. Five minutes I am giving you. Those who have joined late, just send the link for them once again, beta. Yes, ma'am. लेट कौन कौन आया है अभी? लिंक सबके पास है? ऑल ऑफ यू आर परफॉर्मिंग इट? हितेंद्र, गूगल फॉर्म की लिंक ओपन हो गई है? यस मैम. ओके, रामा डन. वेरी गुड.
इज इट डन बेटा? हो गया है सभी का? यस मैम। कैन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट? कि स्टिल यू नीड मैम टाइम? हाँ, ओनली 7 रिस्पॉन्सेज आर देयर। आउट ऑफ 12 तो एक तो मैं ही हो गई, तो फोर मोर रिस्पॉन्स, एक तुम्हारा रिस्पॉन्स, यस मैम। मतलब 10 रिस्पॉन्सेज मस्ट बी देयर। तो जो दो तीन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से करो। हितेंद्र का हो गया, और किसका नहीं हुआ अभी? डन, यस मैम डन। ओके, सो लेट्स सी। हाँ बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करूं? माई स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके, देखो क्या है अदिति, फर्स्ट रीड करो। जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है दैट यू शुड रीड फर्स्ट। दी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इंटरसेक्शन नंबर मे बी। यस, आउट ऑफ दीज फोर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सही है अदिति मैम? यस मैम। ओके, रीड द नेक्स्ट वन बेटा। अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है हमेशा? निलय, क्या होगा इसका आंसर? मैंने ऑलवेज इरेशनल। रैशनल। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर ले लिया टू, टू कैसा नंबर है? रैशनल। और ले लिया रूट थ्री या रूट टू, ये दोनों कैसे नंबर है? रूट टू रूट थ्री। तो इरेशनल। टू इंटू रूट टू किया तो टू रूट टू किस टाइप का नंबर हो गया? इरेशनल। इरेशनल। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सही है अदिति? यस मैम। ओके, हाँ नेक्स्ट वन। रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री, अब ये कैसे बताएंगे? क्योंकि ये सारे तो क्या है, जितने चारों ऑप्शन है ये किस टाइप के नंबर है? जल्दी बोलो, ये चारों ऑप्शन रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। रैशनल। चारों ही रैशनल है क्योंकि इसके आगे डॉट्स नहीं लगे हैं। अब रूट टू की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? 1 पॉइंट बताइए, मैंने क्लास में कई बार, फोर ये पॉइंट फोर 2.414। और रूट थ्री की क्या होती है? 1.7 समथिंग। यस, 1.732 होती है। तो इट मींस 1.4 और 1.7 के बीच का जो नंबर होगा वो इन तीनों चारों में से ऑप्शन होगा। तो देखो 1.9 तो होगा नहीं, 1.8 होगा नहीं, 1.2 होगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? 1.5। 1.5 होगा। 1.4 और 1.7 के बीच में यही नंबर आता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये क्या होगा? इरेशनल है ना, क्योंकि उसका पैटर्न देख के भी समझ में आ रहा है और आगे डॉट्स हैं, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो गया ये? इरेशनल। अच्छा, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस मैम। हाउ?
जीरो बाय वन यस, जीरो बाय टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, जीरो बाय टू लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम, जीरो बाय एनी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम किसी से भी डिवाइड करें तो जीरो ही आएगा, लेकिन हम जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, से और को का अंतर समझो, है ना। जीरो को डिवाइड किया जा सकता है किसी भी नंबर से, लेकिन जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्लियर है? तो जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यस सही है, यस मैम। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, रूट नाइन इज अ, कैसा होगा बताओ? रैशनल, क्यों रैशनल होगा मैम? बिकॉज़ रूट नाइन इक्वल टू थ्री, यस रूट नाइन इज थ्री, व्हेन थ्री इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि रैशनल है तो वो होल नंबर होगा, ऐसे पूरे होल के अलावा ही तो फिर रैशनल में पी बाय क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, तो नेचुरल और होल तो होगा नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, रियल नंबर्स, रियल में रैशनल और कौन से नंबर और आ जाते हैं, इरेशनल, सो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। इलेवेंथ में तुम इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ोगे जो मैथ्स पढ़ेंगे इलेवेंथ, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इन चारों में से इरेशनल कौन सा है? 0.401400 ऑप्शन के नंबर्स में बताओ, फर्स्ट क्यों? क्योंकि इन तीनों में यू भी दिख रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आगे डैश नहीं लगा है, इट मीन्स ऑल दीज थ्री नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, यस खत्म हो गए ना यहाँ पे इनका डिवीजन इस प्लेस पे आके, यस मैम, इन तीनों में, तो ये तीनों कैसे हो गए रैशनल, अब इसमें क्योंकि आगे डैश डैश लगा हुआ है और कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है, यस यस मैम। ऐसे ही देखो, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर, ये तो हमको पता है, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, यस यस मैम, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये 8 में पढ़ा है। कौन से दो इसमें से को प्राइम है? 2 and 3। इसमें बेटा एक काम और कर सकती थी, ऑप्शन में कुछ और, चलो ठीक है, आपस में भी वो क्या है, को प्राइम। तो अदिति मैम कितने नंबर हमको आए हैं इसमें? मैम फुल, फुल है मेरे मार्क्स, यस मैम, चलो ओके। चलो भाई, मुझे तो फुल मार्क्स दिए अदिति ने, अदिति मैम ने। अब नीलय सर आपकी बारी, अब देखे इनके टेस्ट में अपने को कितने नंबर आते हैं। चलो नीलय, शेयर योर लिंक बेटा। मैम शेयर कर दी है, आया नहीं, एक और बार कर रहा हूँ मैं। हाँ आ गया है, मैंने देख नहीं पाया। ऑल ऑफ यू हैव यू गॉट योर लिंक फॉर गूगल फॉर्म? नीलय फिर से रीसेंड करो बेटा। नोट अच्छा डाला है तुमने गूगल फॉर्म में कि एनीथिंग इज रिटन लाइक एक्स टू इज मीन्स एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज रूट फोर, ठीक है गुड। मैम गूगल फॉर्म में ग्लिच है। हाँ मैम, दो दो क्वेश्चन के पूरे पूरे ऑप्शन चेंज हो गए हैं आपस में। इज स्क्वायर रूट, अच्छा मैं बोलती नहीं हूँ, अभी 117 हो रहे हैं, 120 तक का टाइम सफिशिएंट है, 122 5 मिनट्स बहुत है, इसको पहले थोड़ा सा लिख के देख लेना अपनी नोटबुक में, फिर आंसर देना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना। All of you have got the link?
से यस और नो लिंक मिल गई है सबको, बोल ही नहीं रहे। यस मैम। रामा को हो गया, वेरी गुड रामा। इज इट डन बेटा? ओके, दो बच्चों के रिस्पॉन्स आ गए हैं, बाकी बच्चे जल्दी करिए। हाँ बेटा, अब तक हो जाना चाहिए, हो गया। पीएस है पुजित, ओनली 6-4 आवर स्टिल लेफ्ट, डू इट फास्ट बेटा, जितना बचा है जल्दी करो।
सेवन, तीन और कौन बचे हैं? एक तो तुम्हारा ही होगा नीला है, और दूसरे कौन है? प्रीवियस क्लास में भी इतनी अटेंडेंस थी क्या तुम लोग की? 13 बच्चे प्रेजेंट है सिर्फ। आज तो प्रणव भी नहीं है। नहीं, प्रणव हर क्लास में तो होता है, अधिकतर नकुल नहीं है। प्रणव कह रहा था उसका डेटा पैक खत्म हो गया। अच्छा, और नकुल को क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो बढ़िया है, पढ़ाई कर रहा होगा लगता है। ओके ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, फिर हम डिस्कस करते हैं। शुड वी स्टार्ट डिस्कसिंग? याशिका तुमने सबमिट कर दिया बेटा? यस मैम। अदिति ने? दोनों। ओके अक्षिता किसका रह गया फिर? हितेंद्र तुमने कर दिया? हितेंद्र, लेट्स सी, स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री इज एन पॉलिनोमियल, यही क्वेश्चन है नीले सर? यस मैम। ओके बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? अंडर रूट में एक्स और थ्री दोनों हैं, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो, क्योंकि एक्स वेरिएबल है और एक्स की पावर 1/2 आएगी उसमें, इसलिए नो। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 3x2? इसमें कोफिशिएंट किसका? मैं 3x2 का ही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये तो तीनों ही, अगर 3 की बात करें तो एक्स स्क्वायर होगा। ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? मैम 3। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे लिखना चाहिए था फिर तुम्हें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? तब फिर वो क्वेश्चन कंप्लीट होता, 3। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इफ द इक्वेशन, नीले रीड द इक्वेशन। मैम 4x^6 + 5x^2 + 4x + 7। हाँ ये इक्वेशन नहीं है वैसे, ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? 6। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 6, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके चूज अ पॉलिनोमियल फ्रॉम बिलो। यस निलय रीड द ऑप्शंस। y² + √2, √y + 2, √y + √2 या अकेला √y? √y। ओके व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? मैम y² + √2। हाँ ये क्यों होगा? मैम क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए और इसमें वेरिएबल की पावर पूरी है, यहाँ पर y स्क्वायर है और बाकी सब में वेरिएबल के साथ कौन है? रूट है। हाँ तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डिविडेंट इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा हालांकि डिविजन एल्गोरिथम है, डिविडेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। यस डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला ऑप्शन में चाहिए इनटू। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? थर्ड। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर? वैल्यू ऑफ 19 होल स्क्वायर? 19 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर ऑफ 19 361 करेक्ट है। मैम ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। गलत होने वाला? मैम 4 बच्चों ने गलत किया है। ओहो 19 में 19 का मल्टीप्लाई करना था। चलो ठीक है,
ये तो फिर आश्चर्य की बात है, इसका मतलब जल्दी में कुछ भी आंसर लिख दिया है, दे डिड नॉट टेक इट सिंसियरली। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज ही है तुम्हारी एक तरह से। हाँ बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, सेकेंड सेकेंड यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड वन थर्ड, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है निलय? यस मैम। निलय सर जी कितने मार्क्स दोगे हमको आप? मैम 10 out of 10। 10 out of 10 मान लें, चलो ठीक है। अपनी अपनी गलती चेक कर ली सबने, क्या ना मैम, आपने तो हमसे पूछ पूछ के टिक लगाया है ना। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ फर्स्ट टू चैप्टर्स, चैप्टर वन और चैप्टर टू का, है ना बेटा। अब जो है हम लोगों ने क्लास में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, कर लिया है ना? यस मैम। एक चैप्टर बचा नहीं है अब हमारा ऐसा जिसका हमने एक भी बार क्लास में कोई रिवीजन नहीं किया हो, यस और नो? यस मैम। हमने फर्स्ट टू चैप्टर्स को तो बहुत ज्यादा डिटेल में किया है, स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के भी बहुत करवाए, प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए करवाए ना, हमने डिस्कशन किया है। हाँ, तो अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर को भी अभी पिछले इसमें हमने वीक में पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स और तुम लोग देख लेना लीनियर इक्वेशन में, बाकी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स हमने देख लिया है। सिक्स चैप्टर का भी हमने एक दिन रिवीजन किया था, लाइंस एंड एंगल्स का किया था। यस मैम। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी को भी, क्वाड्रिलेटरल को किया था, मतलब हमारे सारे ही चैप्टर 10, 11, कंस्ट्रक्शन का भी हम एक दिन और कर लेंगे अभी इस कमिंग वीक में। वैसे कंस्ट्रक्शन का मैंने इन शॉर्ट तुम लोग को बता दिया था, उसमें फिर भी हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर बाकी आपका हो गया हेरोन्स फॉर्मूला भी कर लिया है क्योंकि वो इजी चैप्टर है। यस, अब तुम लोग को जो भी डाउट हो वो तुम और कमिंग वीक में पूछ लेना, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नोटबुक्स अभी कई बच्चों की नहीं आई है मेरे पास, ये जितने अभी प्रेजेंट है इन लोगों की सबकी भेज दी है इन्होंने। Yes, ma'am. नकुल का नाम तो दिख रहा है, नकुल ने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन की थी क्या क्लास? थर्टीन टू बेटा अटेंडेंस में सब टाइम आ जाता है, देखो मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ तुमको, बच्चे गायब होके सोचते हैं कि एक बार ज्वाइन कर ले, लास्ट सीन जैसे व्हाट्सएप में दिखता है ना लास्ट सीन, वैसे माय स्क्रीन इज विजिबल अभी आ रही है। यस मैम। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, अक्षिता मीना अराइव 1329 लास्ट सीन 1332 मैम वो नकुल। हाँ हाँ वो मुझे पता है बेटा, बीच में तुम लेफ्ट हो गई थी फिर ज्वाइन हुई। देखो नकुल 132 पे अराइव्ड हुआ था, लास्ट सीन 132 ऐसे दिखता है। हितेंद्र अराइव 133 लास्ट सीन 1332 133 में 13 से और पहले आई थी लेकिन इसमें हो सकता है लीव हो गया। पूजित 13 से 13 2 2 इस तरह से सबका टाइमिंग सब दिखता है, कौन कितनी बजे आया कौन कितनी बजे लीव हुआ। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, किसी को कुछ पूछना है बोलो। नो मैम। हितेंद्र पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस मैम। कितने चैप्टर कर लिए तुमने? मैम अभी 7 हो गए। याशिका तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है? मैम चल रही है। कितने चैप्टर पढ़ लिए?
अच्छा स्वर्णिम, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया था कल बेटा अच्छे से? तुमने कितने चैप्टर कर लिए? मैम 4-5 चैप्टर्स हो गए। और पढ़ो बेटा अच्छे से और तैयारी करो। रामा तुम्हारी क्या तैयारी है? मैम ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, बाकी मैम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो गया, मैम बस सरफेस एरियाज और स्टैटिस्टिक्स वगैरह बचा। तो ये अच्छे से करो, अलजेब्रा नंबर सिस्टम ये सारे चैप्टर्स तो और अच्छे से करना ही है। पुजित मैम सरफेस एरिया और सर्कल को एक और बार करना है, बाकी सारा हो गया। यस मैम। मैम नंबर सिस्टम भी एक और बार रिवाइज करना है। हां वेरी गुड, जिनका पूरा हो गया है वो नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इनके अच्छे से और एक बार प्रैक्टिस करें। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस लगते हैं बुक से, जितना रेफरेंस बुक से देखना पढ़ना चाहते हो सब एक्स्ट्रा भी पढ़ो। उसने बहुत सारा तुम्हें करवाया है, जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो बेटा। बिल्कुल एक वीक का समय है, ज्यादा समय नहीं है, अब बहुत सिंसियर हो जाओ। सारी बातों से ध्यान हटा के ध्यान सिर्फ रहना चाहिए एग्जाम पे, पढ़ाई पे, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी नाइन्थ में, नाइन्थ का पढ़ा हुआ सब टेंथ में भी काम आएगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, देन वी विल कंक्लूड टुडेज मीटिंग विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। ओके साइरम चिल्ड्रन, वंस अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बी फिट एंड फाइन। यस, ये चारों चीजों की अब और ज्यादा जरूरत है। कीप एच स्क्वायर एफ स्क्वायर विथ यू। ओके नाउ यू मे, साइरम बेटा यू मे लीव द मीटिंग। साइरम मैम, साइरम।